हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री राम आप सभी को। मेरी तरफ से मैं सुनील एक और नए ब्लॉग के साथ आप सबके बीच। तो आज का ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैं गया था अपने बीरोखाल ब्लॉक में। तो वहाँ पे कुछ मनरेगा का काम आ रखा है, आज से मुझे वो कराना है गाँव वालों से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन रहने वाला है मेरे लिए, कि मतलब पहली बार जो है मैं इस तरीके के काम कर रहा हूँ अपने गांव में। तो दोस्तों, नाश्ता पानी हो गया है, मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, तेज़ धूप है अभी, और 10-15 दिन ऐसी धूप रहे तो अच्छी बात है हमारे लिए, तो है ना। तो भाई दोस्तों, इस बार अगर किसी को भोटिया डॉग के पप्पी चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे मेरे पास, मेरा कैप्टन। चलो भाई दोस्तों, ये है औजार हथियार जो कि दिहाड़ी पे लेके जाने हैं पिताजी मिस्त्री। तो ये है उनकी हथौड़ी और सब्बल, तो मैं इसको लेके चलता हूँ कंधे पे रख के। तो भाई दोस्तों, इस बार हमारे यहाँ 3 खेत है और इनमें माँ ओढ़ने लगा रखा है झंगोरा। तो अगर लंगूर बंदर रहने देना तो यहाँ बहुत अच्छी खेती हो सकती है। 3 खेत है इस बार, हमने जानवरों से जो इसको प्रोटेक्ट किया और इतना अच्छा झंगोरा हो रखा है, इतना अच्छा भाई साहब, यकीन नहीं हो रहा कि हमारे खेतों में जो है ये झंगोरा हो रखा है, इतनी अच्छी फसल हो रखी है। तो और दिन जो है हम लोग इस टाइम तक अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते चराने के लिए, छोड़ देते थे मतलब, लेकिन भाई साहब आज जैसे बाहर निकाला इसने कर दिया यहाँ हड़दंग। तो जो भी बैल आते हैं ना, ये उनको टिकने नहीं देता। आज इसकी लड़ाई हो गई बैलों के साथ। चल लो, ये देखो पूरी खतरनाक लड़ाई हो गई। और इसकी आदत है कि जब तक दूसरे जानवर को गिराए ना, तब तक ये मानता नहीं है। तो इसलिए जो है आज जानवर नहीं छोड़े हैं जंगल में। डेबरी, अरे ते नहीं दया में लाई भाई, टिकम सर है कद गल लड़े क्या होना चाहिए। तो चलो भाई, धीरे धीरे काम वाले आ गए। राम राम बोडी, राम राम। ओ ठीक छे, हम कोले अपन घास आ ढूंगा फिरा लो हम हां घास। ओ जरा क्रीम पाउडर भी। हाँ सबसे पहले आ गया बोडी और चाची, है ना। हाँ सबसे पहले चाची हो रही। ओ चलो, तो तब मैंने फोटो खींच। तो चलो भाई, दिहाड़ी शुरू हो गई है आज की यहाँ से, और खड़ंजा निर्माण तो हो गई, उसके साथ साथ झाड़ियाँ भी साफ की जा रही है ताकि रास्ते बिल्कुल साफ रहे। आराम जब लग जलता हूँ कुछ चिंता आए। दोबारा वाला चाची पिताजी बिना भिंडे फोड़ी का पिताजी बिना भिंडे फोड़ी दीना। तो भाई दोस्तों, जब हमारे गांव में दिहाड़ी होती है, हमें बोडी आ जानी चाहिए, एफएम रेडियो की जरूरत नहीं पड़ती। बोडी एक गाना हो जाए, कुछ भी भजन हो जाए। हाँ ये भजन करो तब वही वाला नदी किनारे वाला लाई सफाई करो भाई। रामा चरण चितलाई सफाई करो भैया, हमने खाला ढैया जाना है। यो जेड़ी खाला ढैया जाना है।
माते पूछो तेरा वाली माँ कैसे गुजारा करते हैं, माते पूछो तेरा वाली माँ हम कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे गुजारा करते हैं। तो भाई काम भी हो रहा है, फुल मस्ती हो रही है और बिल्कुल पहला दिन हमारा अच्छा गुजर रहा है। इतनी बड़ी भीड़ी दर्दी बोली हमने, है ना? हाँ भीड़ी दर्दी अभी आदमी काम नहीं, तब फिर भी काम अच्छा है, काम अच्छा है। बहुत अभी रोम बल मुँह से नहीं मर दो, तो थोड़ी देर का ब्रेक उसके बाद लेंगे फिर। क्या फटाफट खावा एक झटका तो भाई हम लोग कल से चाय वाय का इंतजाम करेंगे, आज कर रखा है ककड़ी का इंतजाम। धन्यवाद तो सक्षम की तरफ से दादी लोगों को ककड़ी की पार्टी, है ना? वाह बोडी। तो ये देखो जो काम होना था वो बेशक थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन मेन जो झाड़ियाँ थी जिनके नीचे पत्थर वत्थर थे ये हटा दिए और रास्ता पहले खाली किया आज। कल से जो है काम बिल्कुल दबा के होगा बिना किसी झंझट के। काम ले आने आपको लेरी गाँव मतीन साले बैठी ठेका बंद राये डांड का पानी दया उब डोरा खरंजा भी थे अरे देवर ठेकेदार बैज तू भी आखिरे डांडा पानी ले गजब गजब तुम जल्दी आइया अरे किन मारी अरे सब हो जाएगा अरे तुम लग दिया अरे काम दाने कोड़े तुम भी उठ जाइया पुराना वेजला तुम सब गंज ना 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 चलो 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 नहीं वाले के ये तो सब का सिर तक आ रहा है।
तो भाई दोस्तों सुबह से लगी थी धूप जब से हम काम कर रहे थे, और अब आ रहा है जो है बादल, यानी कि छाया हो गई है। तो खाना खाएंगे अब, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर से जाना है हमें, है ना। तो चलो खाना खा के मिलते हैं आपको। किस्मत ही खराब है यार, जैसे हमने काम शुरू किया देखो कैसे बारिश आ गई है। थोड़ा हमें 10-15 दिन बारिश नहीं चाहिए थी, कम से कम 20-25 दिन, है ना। क्या कहना चाहोगे खानो महाराज? तो मेरे चाचा को चैनल को लाइक सब्सक्राइब और प्यार दे दे रहना। जगर चोच। तो भाई दोस्तों सक्षम इतना शरारती है ना, मतलब उस कमरे में जाओ, इधर जाओ, कमरा सेट करके रखो, आके देखो तो ऐसे हाल हो जाते हैं, हैं? तो बारिश बंद हो गई है, और सुबह मैंने आपको दिखाया था नीचे खेत में ना कैसे झंगोरा बढ़िया सा हो रखा था, और बारिश हुई पूरा लटक गया, बताओ पूरा बर्बाद हो गया। और ये देखो हमारे सगोड़े में जाने के लिए क्या मस्त गेट बन गया है ना यहाँ पे, है ना। ये देखो ऐसे छुप के जाना पड़ता है भाई साहब। तो ये है सगोड़ों के हालचाल, यहाँ पे लगी है 2-3 ककड़ी। इस बार ना माल्टे सही से आए नहीं है, क्योंकि माल्टे एक साल हमारे पेड़ पे ठीक ठाक आएंगे, एक साल उतने अच्छे नहीं आएंगे, और फिर अगली बार जो है बिल्कुल पेड़ भरा रहेगा, एकदम भरा रहता है। इस बार बहुत कम माल्टे आए हैं, गिने चुने। ये देखो, और पिछले कुछ टाइम से माल्टों पे पता नहीं क्या बीमारी लगती है, जैसे पकने की बारी आती है टपकते रहते हैं। हमारे इधर से जो भी लोग जाते हैं ना कहते हैं यार थोड़ी साग सब्जी दे दो, तुम्हारे यहाँ बहुत साग सब्जी हो रही होगी, सिर्फ बेल लगी हुई है, एक भी जो है कोई साग सब्जी इसके अंदर नहीं लगी है। अब उनको बोलो कि भाई साहब अब नहीं लगी है, तो लोगों को लगता है कि भाई इनका देने का मन नहीं है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, है ना। रमन को बोलते हैं भाई साहब आ जाओ आप खुद ही ले जाओ, तब देखते हैं कि यार सच में यार नहीं लगे हैं साग सब्जी कुछ भी। तो भाई यहाँ लग गए छोटे छोटे टमाटर, ये देखो। एक्चुअली हमारे ना खेतों से ही प्याज टमाटर अदरक लहसुन साग सब्जी सारी जो है अपने खेतों से ही हो जाती है। तो एक रीज़न जो होता है ना गांव में रहने का, यहाँ खर्चे कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साग सब्जी जो है अपने खेतों से ही उगा लेते हैं, तो इसलिए इतना खर्चा नहीं होता। और वो देखो ककड़ी, भाई साहब बंदर ना आए तो कल इसको चबगा देंगे। तो भाई दोस्तों शाम के लिए मुझे लेके जानी है अपने खेत से मिर्ची, तो माँ कह रही है खेत से थोड़ी मिर्ची ले यार, लाल लाल है ना। तो ये देखो लाल झंझकार मिर्च अपने खेत से। वैसे तो भाई साहब मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है यार ककड़ी खाने का, क्योंकि यहाँ बहुत ककड़ियाँ लग रखी है। और यहाँ पे दिख रही थी एक छोटी सी ककड़ी नीचे से, ये देखो मजा आने वाली है। तो भाई बच्चे मांगेंगे कि चाचा श्री हमें भी दे दो ककड़ी, और सक्षम तो पक्का बोलेगा कि हमें ककड़ी खिलाओ भाई साहब, ककड़ी खिलाओ। फिर चरक देता हूँ अभी इसमें, ये लेके चलता हूँ ऊपर, बच्चों को भी देता हूँ थोड़े थोड़े। अभी हो रहा है ऊपर शोर शराबा, और इनको तो जानते ही होंगे आप, है ना। ककड़ी ले पकड़े
अब मेरी बारी, अबे मेरी बारी। चलो निकलो। और ये है अपन के लिए। दगड़ी बहुत सारे अनानी बहुत कोमल का खेल। काश इसके साथ हरी मिर्च की चटनी मिल जाती ना, फिर तो हमारे मजे आ जाते। ये तो का पीले रंग की ओ मिलाता ना चटनी का बढ़िया सब। ककड़ी है भाई, ककड़ी है, पांच वाली ककड़ी है। तो भाई दोस्तों देखते हैं आगे किस तरीके से हमारा काम चलता है, कैसी दिहाड़ी मजदूरी होती है, कैसे क्या होता है ना। अगर बारिश नहीं हुई तो डेली हमारा काम कंटिन्यू रहेगा। बाय द वे बारिश ऐसी रहेगी तो कुछ दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, आपको जल्दी मिलेंगे फिर किसी नए ब्लॉग में। आप लोग अपना प्यार अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना। हम जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में। क्या बोला?